कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान। दिल्ली में आप 4 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस के खाते में आई 3 सीटें। हरियाणा की 10 सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कुरुक्षेत्र सीट से लड़ेगी आप। गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। गुजरात में 24 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। भावनगर और भरूच लोकसभा सीट आपके लिए छोड़ा गया। भरूच लोकसभा सीट आपके खाते में आने पर बोले आप उम्मीदवार चैतर वसावा, भरूच से बीजेपी को हराएंगे। भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देने से अहमद पटेल की बेटी हुई नाराज। कहा अहमद पटेल की 45 साल की लेगेसी को बर्बाद नहीं होने देंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भरूच सीट आपको देना अहमद पटेल की लेगेसी के खत्म करने जैसा। मुरादाबाद में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। यूपी में औपचारिक तौर से गठबंधन की घोषणा की गई, इसे अंतिम रूप देने में समय लगेगा। बंगाल में टीएमसी से गठबंधन पर बोले जयराम रमेश, टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी बोले सीट बंटवारे को लेकर टीएमसी दुविधा में है, हाँ या ना में जल्द फैसला करना चाहिए। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने अधीर रंजन को दिया जवाब, कहा पहले वो अपना स्टैंड क्लियर करे। सलमान खुर्शीद की नाराजगी पर बोले अखिलेश यादव, वो बड़े नेता है, उम्मीद है फरुखाबाद सीट पर सपा को मदद करेंगे। यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे बोले सलमान खुर्शीद ने गलत बात नहीं कही है, लेकिन गठबंधन में कुछ छोड़ना पड़ता है। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल का दावा, असम लोकसभा की 3 सीटें जीतेंगे, इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे। कल्याण यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव, कहा कल की यात्रा पीडीए यात्रा होगी। हिमाचल के अमीरपुर में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वोट के लिए कांग्रेस बड़े बड़े वादे करती है, चुनाव जीतने के बाद भूल जाती है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला बोले तेलंगाना बीजेपी के संकल्प यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं हो रही हैं शामिल। शरद पवार पर भड़के एमएनएस चीफ, राज ठाकरे कहा वोट हासिल करने के लिए अब छत्रपति शिवाजी का नाम ले रहे हैं। बारामती से सुप्रिया सुले को चुनौती देने की तैयारी, 2 मार्च को होगी महायुति की रैली। वंचित बहुजन अघाड़ी की महाविकास अघाड़ी से मांग, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की जानकारी दे ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। कल मुंबई के मीरा रोड में बीजेपी नेता टी राजा की होगी रैली। सपा नेता अबू आजमी की अपील, टी राजा के जहरीले भाषण को रिकॉर्ड करें। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा चुनाव को लेकर की बैठक, पीर पंचाल रीजन के नेताओं के साथ तैयारियों पर चर्चा। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, तमिलनाडु की ज्यादातर पार्टियां सिंगल फेज में लोकसभा चुनाव चाहती हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा हुई रद्द, 6 महीने बाद री एग्जामिनेशन होगा, सीएम योगी का ऐलान। सीएम योगी की 2 टूक नकल कराने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा में धांधली की भी जांच करेंगे। सीएम योगी के ऐलान के बाद अभ्यर्थियों ने मनाया जश्न। लखनऊ में पेपर लीक का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द होने पर बोले राहुल गांधी, छात्र और युवा शक्ति की बड़ी जीत है ये। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली युवाओं की ताकत के सामने झुकी योगी सरकार, कल तक पेपर लीक को झुठलाने वालों की कोशिश हो रही थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सवाल, युवाओं का पैसा और समय दोनों बर्बाद हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कहां है बुलडोजर। एसपी चीफ अखिलेश यादव बोले योगी सरकार युवाओं के सपने से कर रही है खिलवाड़, वो नौकरी देना ही नहीं चाहती। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल की मांग, अगले 15 दिन या लोकसभा चुनाव से पहले होनी चाहिए परीक्षा। राजस्थान के ICR एग्जाम सॉल्व मामले में बहरोड पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले 26 फरवरी को फिर से WTO पर चर्चा होगी, 27 फरवरी को करेंगे बड़ी मीटिंग। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी की कड़ी व्यवस्था, किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए चारों तरफ सुरक्षा का इंतजाम। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 29 फरवरी तक किसानों ने दिल्ली कूच को स्थगित किया। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान, हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, उनके हक की जहां बात आएगी हम उनके साथ खड़े होंगे। संदेश खाली के बिरमाजूर में पुलिस ने बनाया सहायता केंद्र, लोगों ने शाहजहां और उसके भाई पर जमीन कब्जाने की शिकायत की। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार की बात गलत है। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से होंगे लागू, केंद्र ने जारी की अधिसूचना। आप विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत का मामला, राउज रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 1 मार्च को फैसला सुनाएगा। नाको टेररिज्म केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, हंदवाड़ा में 4 प्रॉपर्टियों को किया गया अटैच, भारी मात्रा में कैश बरामद। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और उनके बेटे को धमकी देने वाला अरेस्ट, 19 साल के शुभम वाकट की पुणे से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को LG का आदेश, प्रदेश के बजट जल्द करे पेश, देरी का कोई कारण नहीं है। नेपाल के विदेश मंत्री ने रामलला का आशीर्वाद लिया, कहा भारत के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। असम सरकार के फैसले पर बोले IUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल, बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है। AIMIM नेता इम्तियाज जलील का बयान, असम से सीएम का सिर्फ एक मकसद है, मुस्लिमों को टारगेट करना। हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक हुआ अरेस्ट, दिल्ली से अब्दुल की गिरफ्तारी हुई।
यूपी के कासगंज में बड़ा सड़क हादसा, गंगा स्नान के लिए जाते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 22 लोगों की मौत। सीएम योगी ने कासगंज हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। प्रयागराज में भी मां पूर्णिमा पर भक्तों में उत्साह दिखा, संगम में पवित्र डुबकी लगाकर की पूजा अर्चना।